4 जून को नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और इसके इसी सिलसिले में मैं जितने नीट के अपियर हुए हैं 24 लाख बच्चे और जिसमें जो है 11 लाख क्वालिफाई हुए हैं और इस साल बात ये रही कि 720 मार्क्स में तकरीबन 67 बच्चों ने जो है 720 के और 720 मार्क्स लिया है, 720 में से 720। तो ये एक हिंदुस्तान में आज तक किसी तारीख में कोई एग्ज़ामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों हुआ, कैसा है और ये इसकी तहकीक होनी चाहिए और 715, 716, 717, 719 ये मार्क्स किस टाइप से आए हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मालूम है जो नीट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। बाकी अब 11 लाख बच्चे करेंगे क्या, क्योंकि 1 लाख सीट है, 1,08,000 सीट जो है पूरे गवर्नमेंट में मेडिकल के है, जिसके अंदर 550 कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल के हैं, जिसमें 277 कॉलेज में जो है 58,000 सीट्स है और 272 कॉलेज जो प्राइवेट है उसमें 50,000 सीट है। तो जुमला ये 1,08,000 सीट हुए, 1,08,000 सीट और जो है बच्चे 11 लाख पास हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि एक सीट के लिए कम से कम 12 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए, तो 11 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अब इसके लिए और BDS है, इसके MBBS के बाद BDS का नंबर आता है, BDS में 313 कॉलेजेस है और 26,000 सीट्स है, तो ये 26,000 सीट ये हुए। तो अब ये जो इनका एडमिशन कैसे होगा, मैनेजमेंट सीट में जाएंगे, आज मैनेजमेंट में सीट जाएंगे तो कॉलेज के जो भी मैनेजमेंट है इनका तो मुँह खुल जाएगा कि ये जो तरीके से अपना मांगना चाहेंगे डोनेशन वगैरह वो हिसाब से ही इनके एडमिशन होंगे, जिसके पास पैसा है वही एडमिशन ले सकता है। तो मेरा एक इनके लिए मशवरा है कि इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में एलोपैथिक के अलावा और 5 सिस्टम काम करते हैं जिसको आयुष कहा जाता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्यो, नेचुरोपैथी। तो आयुर्वेदा के भी जो है 407 कॉलेजेस है जिसमें 40,000 सीट्स है और होम्योपैथिक में 284 कॉलेजेस है जिसमें 19,000 सीट है और इसके अलावा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो आयुर्वेदा के बराबर है और ये भी जो है 4.5 साल थ्योरी एंड 1 साल प्रैक्टिक इंटर्नशिप होती है, ये भी एक जो है इसके भी 57 कॉलेजेस है। तो इसको जो भी चाहिए कि आयुष के तरफ भी अपना ध्यान दे, क्योंकि आयुष अब एक अगर कोई MBBS करता है तो MBBS करने के बाद उसको फिर MD की MS की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट के बगैर अगर MBBS करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। BDS करता है तो उसको भी जो है MS करना पड़ता है। तो यूनानी में पढ़ने के बाद में यूनानी प्रैक्टिस में एलोपैथिक मेडिसिन भी साथ में इसमें थोड़ा सा अल्टरनेट टाइप में कर सकते हैं। तो यूनानी की तरफ राखिब होकर इसके में जो है आप आयुष में भी जाकर सीट्स ले सकते हैं, क्योंकि 40,000 आयुर्वेदा में है, 19,000 के ज़्यादा सीट होम्योपैथिक में और यूनानी में 3,300 सीट्स है और पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर UP, दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी 4 कॉलेज, उसमें एक हमारा भी यूनानी मेडिकल कॉलेज जो HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम से, यहाँ पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा। और इसके अलावा हमारा जो है इसका फ़ोन नंबर वगैरह आपको जो है इसके ऊपर मिल जाएगा। तो इस तरह जो है आप नीट में पढ़ने के बाद, क्योंकि अब मसला ये है कि हर कोई चाहेगा कि उसको सीट मिले, तो 24 लाख बच्चे अपीयर होने के बाद में 11 लाख बच्चे इसके अंदर पास हुए हैं, तो फिर बाकी के जो है 10 लाख बच्चे जाएंगे कहाँ। तो 10 लाख बच्चों को चाहिए कि उसमें जो अपने अपने उस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो लिहाजा HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी आपको टुमकुर में है, जिसको टुमकुर को सिटी ऑफ एजुकेशन का भी खिताब है, वहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कॉलेजेस भी है, वहाँ पे एक HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज है टुमकुर में, वहाँ भी आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। खुदा हाफिज़।
सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उमरा का फरीजा अदा कीजिए अलहिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में खयाम, तीन वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज्यारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अलहिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा, अलहिंद के साथ उमरा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उमरा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीजास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें अलहिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 0402956293।